नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल अमेजिंग इंडिया में। आज मैं गोवा के कोलवा बीच पे हूँ। ये साउथ गोवा का बहुत ही प्रोमिनेंट बीच है और हम देखेंगे अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या चल रहा है। काफ़ी गतिविधियाँ तेज़ हैं यहाँ पे। हालांकि इंटरनेशनल टूरिस्ट कम है, लेकिन देखते हैं क्या कुछ मिलता है यहाँ पर। आइए चलते हैं। ये एक ग्रुप, ये देश से आया हुआ, बीच का आनंद ले रहे हैं। एक्सरसाइज कर रहे हैं। I try to talk to one of them from which country they have come, what's the purpose. तो मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। सो व्हाट्स योर नेम प्लीज? माय नेम इज निवेदिया। आई एम फ्रॉम गिनेबिसा वेस्ट अफ्रीका। एक्चुअली आई एम इन इंडिया स्टडिंग इन नासिक एंड फाउंडेशन। वी आर हियर फॉर वेकेशन and we are doing our workout. Okay, you are enjoying Goa? Yeah, sure. You like India? Okay, thank you. Beaches पे फुटबॉल खेलना भी इनका शौक है, अच्छा शगल है। और काफी बड़ी संख्या में फुटबॉल खेल रहे हैं लोग। कोलवा बीच का किनारा, एक टावर है जिस पर मैं खड़ा हुआ हूँ। रिवर्स है इस टावर में, जो कि रेस्क्यू करते हैं कभी कोई होने पर।
से वही फुटबॉल का खेल। चावल पे बैठ के ये लोग नजर रखते हैं, किसी व्यक्ति के साथ कोई समस्या होने पर तत्काल मदद की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे शूटिंग भी चल रही है, किसी चीज का शूट हो रहा है, शायद कोई एडवर्टाइजमेंट है। बीच पर कई तरह की एक्टिविटीज होती रहती हैं यहाँ पे, और खासतौर पर संडे का दिन है। कोल्वा बीच गोवा का, साउथ गोवा का सबसे लोकप्रिय पॉपुलर बीच है। बड़ी संख्या में लोग आते हैं। शूट अभी चल रहा है। तो दोस्तों यह है बीच का नज़ारा, लेकिन यहाँ तक मैं कैसे पहुँचा ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, और रास्ते में कुछ अच्छी चीज़ें मुझे देखने को मिली वो मैं आपको बताऊंगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज मॉर्निंग में मैं निकला हूँ कोल्वा बीच के लिए, और फिलहाल लगभग सुबह के 6 बजे हैं। रास्ता एकदम सुनसान है, और गोवा की खूबसूरती बरकरार है। ये कोल्वा रोड है, और ये सड़क मडगांव रेलवे स्टेशन से कोल्वा बीच को ज्वाइन करती है। मडगांव स्टेशन यहाँ से लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूर है। तो अब हम चल रहे हैं कोल्वा बीच की तरफ। अधिकांश लोग अभी घरों के अंदर, यहाँ लगता है मॉर्निंग वॉक का उतना क्रेज नहीं है, क्योंकि
ऑलरेडी एनवायरनमेंट इतना क्लीन है और अब देखिए एकदम जंगल जैसा माहौल है, जबकि शहरी इलाका है ये। दोस्तों रास्ते में दिखा मुझे ये कटा हुआ पेड़ और खास बात मुझे देखी कि मैं इसकी विड्थ आपको बताता हूँ। ये देखिए कितना मोटा ये पेड़ होगा और इसको काटा गया होगा अपारे कारणों से। ये कटा हुआ पेड़ और सामने चर्च। एक जगह बैठे हुए काफ़ी सारे कौए मुझे देखे हैं। आजकल शहरों में भी कौए नहीं दिखते हैं, कम दिखते हैं। एक साथ कोलवा बीच के ठीक बाहर का नजारा, चौड़ी सड़कें बीच तक पहुंचने के लिए, समुद्र की गर्जना यहाँ सुनाई दे रही है ठीक बाहर बीच के एकदम। बेसिकली मैं बीच में मॉर्निंग आया था सनराइज देखने के लिए, लेकिन बादल हैं और इस वजह से सूरज की लुकाच भी जारी है, कभी हल्का सा दिखता है फिर गायब हो जाता है। कोलवा बीच के बाहर की तरफ का नजारा है। तो दोस्तों कोलवा बीच के इस वीडियो में आज इतना ही और गोवा में हम और भी काफ़ी चीज़ें देखेंगे, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।